बहरहाल अब अगली खबर। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के जश्न के मौके पर लाल किले पर ध्वजारोहण करते नजर आए और लगातार 11वीं बार देश को उन्होंने संबोधित किया। 98 मिनट लंबे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की कई उपलब्धियों तमाम मुद्दों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में बदलाव के लिए एक बार फिर तीन ऐसे अहम मुद्दों का जिक्र किया जिन पर पूरे देश में चर्चा होने लगी है। तो क्या है वो तीन मुद्दे, आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आजादी के 78वें जश्न के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव पर लगाम लगाने के लिए देश में हर धर्म और मजहब के लिए एक ही कानून होना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस बात से ये साफ हो गया कि मोदी सरकार देश में सबके लिए एक कानून लाने को लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन इस मुद्दे पर बोलते हुए मोदी ने चर्चा में रहने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक नया नाम दे दिया, सेक्युलर सिविल कोड। इस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। पीएम मोदी ने देश में सबके लिए एक ही कानून को जरूरी बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस मुद्दे पर चर्चा कर चुका है, जिसे बहुत पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है और ये बीजेपी के अहम मुद्दों में से एक है। लेकिन आज पीएम मोदी के यूसीसी के बजाय सेक्युलर सिविल कोड वाली बात निकलते ही विपक्ष और मुस्लिम समाज ने पीएम के बयान का ये कहते हुए विरोध शुरू कर दिया कि सेक्युलर का मतलब ये नहीं कि सबके लिए एक ही कानून बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, सेक्युलर सिविल कोड के नाम से उसको बोल लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, ये सब ऐसे ही आ जाएगा। देश में सर्वसम्मति बननी होगी ना, आप कंसेंसस बनाइए, देश में बात करिए, और जब कोई ड्राफ्ट तो फ्लोट करिए, कुछ पता ही नहीं है किसी को, आप ये बातें करने लगते हैं। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कॉम्युनल कोड कहते हैं। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को देश के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। भ्रष्टाचार की तुलना दीमक से करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि करप्शन की वजह से देश का हर नागरिक परेशान रहता है। लेकिन इस पर बोलते हुए पीएम मोदी ने दो अहम बातें और कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में करप्शन का महिमा मंडन कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भय का माहौल बनाना जरूरी हो गया है। इन दो बातों से पीएम मोदी ने सिग्नल दे दिया कि करप्शन के मुद्दे पर जांच एजेंसियों के एक्शन में कोई ढिलाई नहीं होने वाली, भले ही आरोपों में चाहे कितना भी बड़ा चेहरा क्यों ना हो। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दीमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है, और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ABP News आपको रखे आगे।